मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव, सीएम ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी, कहा मेरे बेहद हल्के लक्षण हैं, आज मेरे संपर्क में आए सभी लोग कराएं अपना टेस्ट। पीएम की सुरक्षा में सेंध पर मुख्यमंत्री बोले, जो माहौल बनाया वो दुर्भाग्यपूर्ण, पीएम सिक्योरिटी तय करती रूट, हमारे ब्लड में अहिंसा और आरएसएस की भावना में हिंसा है। डोटासरा का बयान, पीएम नया षड्यंत्र कर राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। राष्ट्रपति कोविंद से मिले पीएम मोदी, बताए सिक्योरिटी ब्रिज की पूरी घटना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जताई चिंता, पीएम मोदी बोले राष्ट्रपति जी ने मिलने बुलाया था, चिंता के लिए उनका आभारी हूं। कैबिनेट बैठक में भी उठा मुद्दा। पीएम की सुरक्षा में सेंध पर हमलावर बीजेपी, सोनिया और राहुल की चुप्पी पर खड़े किए सवाल। अनुराग ठाकुर बोले बड़ा और कड़ा फैसला लेगा गृह मंत्रालय। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी बोले प्रधानमंत्री की सुरक्षा राजनीतिक फुटबॉल नहीं। पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ की आरती और पूजा, बोले पीएम की सुरक्षा में सेंध अलोकतांत्रिक घटना, देश नहीं बर्दाश्त करेगा ऐसी असंवैधानिक घटनाएं। चुनाव आयोग के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ अहम बैठक, कोरोना की सिचुएशन और वैक्सीनेशन पर मंथन, चुनावी तारीखों और चरणों को लेकर की चर्चा, फाइनल मंथन के बाद तारीखों का ऐलान जल्द। राजधानी जयपुर में कोरोना संक्रमण का महाविस्फोट, पिछले 24 घंटे में मिले 1439 नए केस, कल भी जयपुर में मिले थे 1138 नए कोरोना के मरीज। इन्वेस्टमेंट समिट पर कोरोना का साया, गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, जयपुर में 24 से 25 जनवरी को होने वाली इन्वेस्टमेंट समिट स्थगित। जैसलमेर में चोर को उल्टा लटकाकर कांस्टेबल ने पीटा, फर्स्ट इंडिया की खबर पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने लिया प्रसंज्ञान, जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने घटना को बताया अमानवीय कृत्य, एसपी से मांगी रिपोर्ट। उदयपुर बीकानेर में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई, मावली में आबकारी निरीक्षक, प्रहराधिकारी 25,000 रुपए की घूस लेते ट्रैप। बीकानेर में नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे का असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर 12,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार।